से आरएलडी और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं और इस समय हम मोदी नगर में हैं। डॉक्टर साहब यहाँ मोदी नगर में कैंपेनिंग कर रहे हैं इस समय। डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है कैंपेन? भरपूर प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। क्या नब्ज है, आप क्या भांपते हैं कि इस समय कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको फेवर करने वाले हैं या आपके अगेंस्ट जाने वाले हैं? और जो भी है मुद्दे समझता है उसके बारे में हम गंभीरता से विचार भी करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, सभी लोगों से उनको समाधान करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? मुद्दे तो सभी कुछ मुद्दे हमें गिनाइए आप जो आप अपने भाषणों में लगातार उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र निर्माण का जी, और राष्ट्र मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हमारे तमाम वर्गों की उन्नति किसमें संभव है। नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के नेतृत्व कर रहे हैं, वो बहुत लोकप्रिय नेता है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, हम आपके घर गए, हमने देखा आपके घर के वीडियो भी बनाए, हमने लोगों को दिखाया भी कि कितना सादगी का जीवन आप जीते हैं, कितना कम समाज से लेते हैं और कितना ज्यादा देते हैं। लेकिन जिस दिन आपका रोड शो निकला तो हजारों कारों का काफिला उसमें था, तो जब हमारे वीडियो पे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आए कि आपने कहा था कि इनके पास कुछ एसेट्स नहीं है और बहुत कम में जीते हैं, चौधरी साहब की तरह सियासत कर रहे हैं लंबे समय बाद, तो ये कारों का काफिला कहाँ से आया? जो प्यार मेरे साथ है ना, वही मेरी दौलत है। सभी का प्यार मेरे साथ है, सभी वर्गों का, लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। अब वो जो जिसको दौड़ से होता अब अपने आप मुझे नहीं पता कितने कहाँ से लोग आए, जिसको पता चल गया वही कारवा में जुड़ता चला गया और कारवा बड़ा होता। तो सभी का प्यार है, तो प्यार का अंजल आपका आशीर्वाद करो तो मेरे साथ है और नौजवानों का प्यार मेरे साथ है, उसी का अंजल आपका। चुनाव में आमतौर पर आप मेरी तरफ देखो, ये थोड़ा फेस आ जाएगा कैमरे में, चुनाव में आमतौर पर ट्रेंड होता है कि प्रत्याशी जो है कारें लगाते हैं, लग्जरी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, ड्रिंक की व्यवस्था करते हैं, आप कैसे करेंगे ये सब? मुझसे कोई मांग ही नहीं रहा, मेरे चुनाव तमाम जनता लड़ रही है और खुद लड़ रहे हैं लोग, बाकी चुनाव हो किसान हो मजदूर हो गरीब हो, जो सबसे कमजोर वर्ग है ना समाज का, ये भी चुनाव अपने आप लड़ रहा है। क्या राष्ट्रीय एक दिन की मजदूरी का पैसा अपने आप खर्च कर लगा देगा, लेकिन मुझसे आपका किसी ने किसी चीज को डिमांड नहीं रखी है और लोग अपना छोड़ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, हर वर्ग में जा रहे हैं, हर वर्ग वोट मांग रहा है, हर वर्ग अपने आप को राष्ट्र मानता है समझ रहा और वोट पट्टा काम कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना मेरे पास कुछ है, ना मैं खर्च करूंगा, ना मेरे पास खर्च के लिए पैसा है, ना किससे मैं पैसा लूंगा। ये जो काफिले में कारें थी, क्या लोगों की अपनी कारें थी, वो खुद लेके आए थे? मेरे पास अपनी कोई कार नहीं था, मैंने जो कार थी मैंने अभी इंतजाम किया, झंडा बैनर पोस्टर भी लोग अपना बिना रहे, अपना अपनी स्टिकर छपा रहे, सब जो जो कर सकता बड़ा यज्ञ है भैया, यू टर्न लेना है, आउट डालना काम कर रहे हैं। ये जो सियासी फकीर वाली बात थी जो अखबारों ने आपके बारे में छापा और कहा कि ये सियासी फकीर हैं, इसके क्या मायने हैं? मेरा संघर्ष का जीवन रहा, संघर्ष का जीवन रहा और बहुत से हमारे साथियों को सबको राजनीति करने वाले लोग इस तरह संघर्ष करते हैं और इनको जरूर किसी को बहुत अच्छी किसी सदन में जाने का या किसी संवैधानिक पद के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, तो बहुत लंबे समय नहीं मिल पाया, बहुत सारी परेशानियाँ उनकी समस्याएँ होती हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने होती हैं कि सबको सबके लिए सब चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं, तो इसलिए वो लगा कि ये सियासी फकीर है इसको भैया देख के तरह गाड़ी में आज लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अब इतना बड़ा कुछ बस यही है भैया, भैया जी ने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीवानी है और सभी किसी भी वर्ग का है, कोई भी है, किसी भी राजनीतिक दल का, सब उनकी इस तरह गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो आपकी सभाएं इसी तरह से हो रही हैं जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी आप एक नुक्कड़ सभा से चले, फिर पार्टी कार्यालय पहुंचे और अब यहाँ आ गए हैं?
लोग डिमांड कर रहे हैं, ऊपर मिलना चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं। मैं यहाँ से पूर्व विधायक हूँ मोदी नगर से। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स करता था, ये भी ये मेरठ कॉलेज की करते थे जी जी। तो इन्हें तो बच्चा बच्चा जानेगा ही। वो पीढ़ी आज जो है इस उम्र के पड़ाव पे आ गई है, आज सब 50 से ऊपर के हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और भाई प्रोफेसर रहे हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, तो इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। ये तो एक जो है फेमस पर्सनैलिटी है, ये बिना विधायक और बिना सांसद हुए भी इनको तब से भी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति की एक सहानुभूति इनके साथ रहती है। इनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो वास्तव में एक साधु की तरह रहा है, बहुत अच्छा जीवन इनका रहा है।